सदरी कौली एक फिजिकली सेल के चार डिस्टिंग पार्ट होते हैं वो कौन सा पार्ट है स्पर्म का जिसमें स्पर्म सेल का न्यूक्लियस मौजूद होता है माय वेरी डीरेस्टोरेंट स्पर्मियोजेंसिस के प्रोसेस से फिजिकली मिच्योर स्पम सेल में कन्वर्ट होती हैं तो उस मिच्योर स्पम सेल के चार मेन पार्ट है एक्चुअली स्पम सेल का न्यूक्लियस मौजूद होता है तो आइए इसका आंसर तलाश करते हैं क्या स्पम सेल का न्यूक्लियस नेक में होता है एब्सोल्युटली नो जो नेक है ये वो शार्ट पार्ट है जो हेड ऑफ दी न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है मिड पीस के साथ यही वो पार्ट है जहां पे प्रीवियस जो सेल है जिसे हम स्पर्मटिड कह रहे हैं जिससे एक्चुअली तो मेच्योर स्पर्म सेल बनता है स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में यहाँ पे सेंट्रियोल्स मौजूद होती हैं तो वो दो सेंड्रियूल जो स्पर्म सेल के अंदर मौजूद होती हैं ये प्रीवियस सेल के ही होती हैं जिसे हम स्पर्मेटिड कह हैं तो स्पर्मेटिड के जो दो सेंट्रियूल हैं तो दीज सेंट्रियूल जो हैं वो मौजूद होते हैं नेक पार्ट ऑफ दी स्पर्म में तो सेंट्रियूल कंटेनिंग पार्ट ऑफ दी स्पर्म जो है वो नेक है, तो है, है तो पूछा गया न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट ऑफ दी स्पर्म सेल मिड पीस पीस जो है नेक के नीचे रीजन है यहां पे एक्चुअली इस पार्ट के अंदर स्पायरल फैशन में स्प्रिंग लाइक फैशन में माइक्रोट्यूल्स के इर्द गिर्द जो हैं वो माइट्रोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग पार्ट माइट्रोकॉन्ड कंटेनिंग पार्ट ऑफ की स्पम सेल जो है वो एक्चुअली मिड पीस है यही वो माइक्रोपाउंड्री है जो ए बनाती है हैं और ए प्रोवाइड करती हैं और स्पर्म सेल की मोटिलिटी को इंश्योर करते हैं टेल जो टेल होती है स्पर्म सेल की एक्चुअली एक सिंगल फ्लेजेलम होता है सिंगल फ्लेजेलम है और इसी सिंगल फ्लेजेलम की मदद से स्पर्म जो है विपलाइक्रियो लाइक मोशन करता है तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है और जो मोबिलिटी है वो वीप लाइक कॉर्क सिक्रियो लाइक फैशन में जो इंश्योर करता है दैट पार्ट इज कॉल्ड टेल तो टेल के अंदर सिंगल फ्लेजेलम होता है स्पर्म का जो स्पर्म सेल को मोटाइल बनाता है और यही फ्लेजेलम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नॉर्मल स्पर्म की जो वेलोसिटी है फोर मिलीमीटर पर मिनट फोर मिलीमीटर पर मिनट जो एक टिपिकल स्पर्म की वेलोसिटी है उसको इंश्योर भी यही टेल पार्ट और फ्लेजेलम पार्ट जो है वो करवाता है तो लास्ट हमारे पास बचा हेड हेड वो पोर्शन होता है स्पर्म का जिसमें एक्चुअली न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम जो कि हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं तो 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग ये जो न्यूक्लियस है दैट इज लोकेटेड विद इन दी विद इन हेड ऑफ दी स्पर्म दैट्स व्हाई ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है यही वजह है कि स्पर्म सेल जो है वो हैप्लाइड so, uh, है, होते हैं तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स ये हेड नेक मिड पीस और टेल जैसे जो एनाटमिकल पार्ट है ये स्पर्मियोजेनेसिस में डेवलप होते हैं तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पाम जो हैं वो फाइनली फिजिकली मिच्योर स्पॉम के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो ये हेड के ऊपर हेड के ऊपर एक वेजिकल होता है जो कि मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है तो ये मॉडिफाइड लाइसोसोम जो है एक्रोसोम कहलाता है तो एक्रोसोम जो है वो स्पर्म के हेड की कैप होती है इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो एग कोट को डाइजेस्ट करते हैं इसमें एक बड़ा फेमस एंजाइम है तो और कंटेनिंग पार्ट ऑफ हायल स्पर्म जो है एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम का बनना हेड का बनना नेक का बनना मिड पीस का बनना और टेल का बनना इस काम के लिए, means के लिए, लिए पांच हफ्तों का जो जो है वो required होती। Five weeks का जो duration है वो वो का स्पर्म टूट को कंप्लीट फिजिकली मिच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए तो एक्रोसोम हेड नेक मिड पीस और टेल जैसे जो स्ट्रक्चरल फीचर और कंपोनेंट्स है स्पर्म के वो स्पर्मियो में कंप्लीट होती हैं जो कि पांच हफ्तों में कंप्लीट होती है तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ एनऑटमी ऑफ आ स्पर्म सेल